कैसे हो आप सब? हो सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एमी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट जो हमारे पास मुगल रूलर आए थे हिमाचल में, जिनका प्रभाव देखने को मिला था, या भारत में जो मुगल शासक आए थे, तो आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो पिछली वीडियो थी हमने, उसमें भी हमने डिस्कस किया था, हमने स्टार्ट जो मुगल शासक था वो पिछली वीडियो से स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें हमने बाबर के बारे में भी पढ़ लिया था, उसके बाद अकबर के बारे में पढ़ लिया था। अब जब अकबर के बाद जो नेक्स्ट जो शासक आए थे वो कौन आए थे? वो आए थे जहांगीर। याद रखना इसको, भारत में अकबर के बाद किसने शासन किया था? वो किया था जहांगीर ने। अब इसका मैं शासन काल की बात करूं तो जो जहांगीर का अगर शासन काल रहा है वो रहा है 1605 ईस्वी से 1783 ईस्वी तक, ठीक है। तो इस समय के अंतराल में क्या हुआ था, जो जहांगीर का शासन था वो रहा है भारत में। अब इसका प्रभाव पहाड़ी क्षेत्रों में भी देखने को मिला था जहांगीर का। तो चलिए, अब हम हिमाचल प्रदेश में इसका क्या प्रभाव पड़ता था उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जहांगीर जो शासक थे 1605 ईस्वी, 1605 इसको याद रखना, 1605 ईस्वी में ये गद्दी पे बैठा था। गद्दी पे बैठने का मतलब इसने अपना शासन आरंभ किया था भारत में। अब जब इसने भारत में अपना क्या किया था, शासन आरंभ कर दिया 1605 ईस्वी में, तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ करता था, जो कांगड़ा का राजा हुआ करता था, कांगड़ा का राजा वो हुआ करता था बिधिचंद। ओके, बिधिचंद हुआ करता था 1605 ईस्वी में। लेकिन उस समय में क्या हुआ, जो बिधिचंद था उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात उसका एक बेटा हुआ करता था त्रिलोकचंद। त्रिलोकचंद ये बिधिचंद का पुत्र हुआ करता था त्रिलोकचंद। तो इसको क्या किया गया, गद्दी पे बिठाया गया। जो कांगड़ा का राजा था बिधिचंद, उसकी मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, जो कांगड़ा का नया राजा बनाया गया वो बनाया गया किसको, त्रिलोकचंद को। अब 1605 ईस्वी में बिधिचंद की मृत्यु हो गई। 1605 ईस्वी में ही क्या हुआ था, जहांगीर जो गद्दी पे बैठा था, मतलब उसने भारत पे अपना शासन स्टार्ट कर दिया था 1605 ईस्वी में, उसको राजा बनाया गया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1605 ईस्वी में ही जब मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, जो बिधिचंद का पुत्र था उसी को ही क्या किया था, कांगड़ा का राजा घोषित कर दिया गया। अब ये तो था 1605 ईस्वी का जो इतिहास रहा था। अब देखो हिमाचल का इतिहास अब स्टार्ट होता है यहाँ पे, कि जहांगीर का क्या प्रभाव पड़ा था, कैसे कैसे मतलब हिमाचल प्रदेश में उसने अपना शासन या आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की थी या किया था। ओके, तो देखो उसके बाद क्या हुआ, 1615 ईस्वी, ये जो मैं डेट्स बताता हूं ना, जैसे 1605 हो गई, जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1783, ये सारी इंपॉर्टेंट होती है। आप इनको एक मतलब मैं तो कहता हूं आप इनको लिख लिया करो, नोट्स बना लिया करो इन चीजों के, जो ये डेट्स होती है मेन में। तो 1605 ईस्वी में क्या हुआ था कि जो जहांगीर था वो गद्दी पे बैठा था, उसी समय कांगड़ा का एक राजा हुआ करता था 1605 में बिधिचंद, उसकी मृत्यु हो गई और उसके पुत्र को क्या किया गया, कांगड़ा का जो राजा उसको घोषित किया गया। उसके बाद 1615 ईस्वी जब आती है तो उसमें जो जहांगीर थे, जहांगीर उसने क्या किया कि नूरपुर का एक राजा हुआ करता था सूरजमल, नूरपुर का एक राजा हुआ करता था सूरजमल, और उसका एक मंत्री या कोई भी उसके जो सेनापति हुआ करता था एक जहांगीर का, शेख फरीद मुर्तजा। याद रखिएगा, कांगड़ा का राजा नूरपुर का राजा सूरजमल और जहांगीर का एक सेनापति शेख फरीद मुर्तजा। अब जो सूरजमल थे, सूरजमल वो जहांगीर का वफादार हुआ करता था, तो उसने शेख फरीद मुर्तजा और सूरजमल को क्या किया, भेज दिया कहां, कांगड़ा के लिए।
किसको? सूरजमल और शेख मुर्तजा। ठीक है, शेख फरीद मुर्तजा। ओके, शेख फरीद मुर्तजा ये दोनों क्या थे? जहांगीर के ही वफादार हुआ करते थे। अब इनको क्या किया गया? भेज दिया कांगड़ा को, मतलब कांगड़ा के ऊपर अटैक करने के लिए इन दोनों को भेज दिया गया। जिस समय कांगड़ा का राजा कौन हुआ करता था? त्रिलोकचंद, जो बिलीचंद का पुत्र हुआ करता था। ठीक है, तो इनमें क्या हुआ? जो सूरजमल और जो शेख मुर्तजा फरीद थे, तो जब इनको कांगड़ा भेजा गया तो इनमें क्या हुआ? आपस में ही झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद जो शेख मुर्तजा सॉरी शेख फरीद मुर्तजा थे, इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई किसकी? शेख मुर्तजा फरीद की। और क्या हुआ? जब इन्हें कांगड़ा के लिए क्या कहा था, कांगड़ा पे आक्रमण की सेनी, तो इन्होंने क्या किया, जो कांगड़ा पर जब कब्जा करना था इन्होंने, तो उस चीज को क्या किया, इन्होंने स्थगित कर दिया। जो उस वो मिशन था इनका कांगड़ा के ऊपर विजय मतलब आक्रमण करना, उसको उन्होंने क्या किया, पोस्टपोन कर दिया, मतलब रोक दिया इस काम को। क्योंकि इनका जो एक मेन जो सेनापति हुआ करता था शेख मुर्तजा, उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। उसके बाद इनको क्या हुआ, जो जहांगीर थे, जब ईस्वी आती है हमारे पास 1617 ईस्वी, देखो 1615 ईस्वी में क्या हुआ, जहांगीर ने सूरजमल और शेख मुर्तजा को क्या किया गया, कांगड़ा को भेजा गया, ताकि कांगड़ा के किले पे क्या किया जाए, वो अपना अधिकार स्थापित कर सके। अब उसके बाद क्या हुआ, जब 1617 ईस्वी में फिर से जो जहांगीर थे, उन्होंने फिर सूरजमल के साथ एक उनका और सेनापति हुआ करता था, शाह कुली मोहम्मद। ओके, इनको याद रखना, एक था शेख फरीद मुर्तजा और दूसरा कौन था? शाह कुली मोहम्मद। ये दोनों इसके क्या थे? वफादार थे, सेनापति समझो आप इनको। इसको भी किसके साथ भेजा? सूरजमल। ये नूरपुर का राजा हुआ करता था और ये इससे मिला हुआ था जहांगीर से। ओके, अब फिर से क्या होता है, जो शाह कुली मोहम्मद है और जो सूरजमल है, इनके बीच फिर से क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है आपस में। अब सारे झगड़े के प्रसाद देखो, अब सूरजमल के साथ इसको भी भेजा तो इसकी मृत्यु हो गई, सूरजमल के साथ इसको भेजा तो इनके बीच फिर से झगड़ा हो गया। लेकिन इस समय क्या हुआ था, जो जहांगीर था उसने जो शाह कुली मोहम्मद था, ओके याद रखना इसको, शाह कुली मोहम्मद को इसने वापिस दिल्ली बुला लिया था वहां पे। और सूरजमल क्या हुआ, सूरजमल को पता लग गया कि भाई यहां तो अपनी यहां जमने वाली नहीं है, कि इनको लग गया मतलब हो क्या रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो जो सूरजमल थे, इन्होंने क्या किया, जो जहांगीर थे इनके विरुद्ध ही विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था सूरजमल ने। और जब सूरजमल ने इनका विद्रोह किया, तो उसके बाद जो तो जहांगीर ने क्या किया, इस जो सूरजमल ने विद्रोह किया था, तो उस विद्रोह को कुचलने के लिए मतलब उसको रोकने के लिए, उस विद्रोह को रोकने के लिए एक और राजा हुआ करते थे। देखो जब सूरजमल ने विद्रोह किया था, तो उस विद्रोह को रोकने के लिए क्या किया, जो जहांगीर थे उन्होंने फिर से क्या किया, एक राजा हुआ करते थे विक्रमजीत। ओके, कौन हुआ करते थे? विक्रमजीत। और उनका एक और सेनापति हुआ करता था, किसका? जहांगीर का। उसका नाम था अब्दुल अजीज। विक्रमजीत और अब्दुल अजीज, अब इनको क्या किया, इनको फिर से भेज दिया कहां? कांगड़ा पे। अब कांगड़ा पे इन्होंने तो क्या किया, कांगड़ा तो पहुंच गए ये, पर उस समय इनको सीधा बोला कि सूरजमल को क्या करो, रास्ते से हटाओ। तो सूरजमल क्या हुआ, एक मनकोट, जो किला था
सूरजमन को, तारागढ़, ये मनकोट और जो तारागढ़ जो फोर्ट थे, ये इनमें क्या था, उसने अपनी शरण ली थी किसने, सूरजमल ने, क्योंकि उसको पता लग गया था कि जहांगीर ने क्या किया, बेगमजीत के साथ अब्दुल अजीज को भेजा है इस विद्रोह को खत्म करने के लिए, तो वो कहां था, वो इन दो जो फोर्ट थे इनमें छिपा हुआ था। तो ये जो दो फोर्ट थे, ये चंबा जो रियासत थी उसके अधीन आते थे, चंबा के अधीन आते थे। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद जो विक्रमजीत थे और अब्दुल अजीज थे, इन्होंने क्या किया कि जो सूरजमल थे उनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई। विक्रमजीत और अब्दुल अजीज को भेजा था उस विद्रोह करने, लेकिन वो क्या हुआ था कि 1619 में क्या हुआ, जो 1619 ईस्वी, तो इसमें जो सूरजमल थे उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस समय चंबा का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था प्रताप वर्मन। चंबा का राजा कौन हुआ करता था, चंबा का राजा प्रताप वर्मन। ओके, तो चंबा का राजा हुआ करता था प्रताप वर्मन। उसने क्या बोला था, उसने बोला था किसको, सूरजमल को, कि तुम जहांगीर के आगे आत्मसमर्पण कर दो, आत्मसमर्पण करके ही तुम्हारा कुछ हो सकता है, अदरवाइज तुम मारे जाओगे। लेकिन 1619 ईस्वी में क्या हुआ, वो चल बसे, 1619 में वो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जब 1620 ईस्वी में क्या हुआ, 1620 ईस्वी में मुगलों ने कांगड़ा का जो किला था उसके वो अपने अधीन ले लिया था, तो उसी समय क्या हुआ, जब 1620 ईस्वी में क्या हुआ, जब उन्होंने विक्रमजीत और अब्दुल अजीज ने क्या किया था, कांगड़ा को जो किला था उसको अपने अधीन कर लिया था, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि इन दोनों ने जो जहांगीर थे उनको क्या किया, इंटीमेशन दे दी कि अब जो कांगड़ा का किला है वो हम उसको अपने अधीन कर चुके हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने मुगलों का कांगड़ा के किले पे शासन हो गया, तो उस समय उन्होंने एक वहां पे किसके अंडर उस किले को रखा, नवाब अली खान, नवाब अली खान, ये बहुत जरूरी है, इसको याद रखना, लिख लेना इसको। कांगड़ा के किले पे जहांगीर के समय किसने राज किया था, मतलब किसको राजा बना के भेजा था जहांगीर ने कांगड़ा के किले पे, नवाब अली खान को। अब नवाब अली खान को वहां का राजा बना दिया, और क्या हुआ था फिर 1622, 1622 ईस्वी में क्या हुआ था कि जहांगीर खुद नूरपुर आया, तो उसने क्या किया था, जो उसकी पत्नी हुआ करती बेगम हुआ करती थी, ठीक है ना, उसका नाम था नूरजहां, जहांगीर की नूरजहां। तो उसने क्या किया, वैसे नूरपुर का नाम क्या हुआ करता था, धमेरी हुआ करता था, प्राचीन जो नाम था वो धमेरी हुआ करता था, तो धमेरी का नाम उसने अपनी पत्नी के नाम पे क्या किया, रख दिया नूरपुर, क्योंकि उसकी पत्नी का क्या नाम हुआ करता था, नूरजहां, तो उसने धमेरी का नाम नूरपुर रख दिया। और वहां का जो कांगड़ा का किला था उसका जो मेन दरवाजा था, एक दरवाजा, तो उसको जहांगीरी दरवाजा के नाम से उसने नाम लिया, जहांगीरी, जहांगीरी दरवाजा। कांगड़ा के किले का एक दरवाजा था जिसका नाम उसने जहांगीरी दरवाजा रख दिया, और नूरपुर का नाम चेंज कर, सॉरी, धमेरी का नाम उसने चेंज करके नूरपुर रख दिया अपनी पत्नी के नाम से। ओके, तो ये था हमारे पास जो टोटली इतिहास था जहांगीर के समय हिमाचल प्रदेश में। तो इसको आप अच्छे से सुनना, क्योंकि ये बहुत ही, इसमें जो ये डेट्स वाला जो चक्कर है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही मतलब कंफ्यूज करने वाला है। देखो 1605 से लेके फिर 1615, 1617, ये सारी क्या है, बहुत कंफ्यूज करती है। लेकिन इसको आप ध्यान से सुनना, इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था इस समय, ठीक है। तो ये थी टोटल जितनी भी मतलब जहांगीर के समय जो हिमाचल प्रदेश का इतिहास है, या जो हिमाचल पे आक्रमण हुए थे, कांगड़ा का किला कैसे उनके अधीन गया, कैसे वो कौन, मतलब जो कांगड़ा का उसमें मुगलों के अधीन गया था, तो कौन वहां का वो बना था, राजा बना था, किसके अंडर उसको रखा गया, तो वो नवाब अली खान, वहां का जो पहला मुगल शासक आया था कांगड़ा पे, वो कौन रहा था, नवाब अली खान।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।